Find the equation of circle passing through 1,0 and 0,1 and having smallest possible radius. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो कोई सर्किल की रेडियस ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहले 1,0 से गुजरेगी, तो 1,0 से गुजर क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 2g प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई, 1 प्लस 2g प्लस c इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है कि ये 0,1 से भी पास होगा, तो उसको 0,1 से पास कराओगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ 1 प्लस 2g, एंड यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ 1 प्लस 2f. ठीक है, तो ये दोनों c की वैल्यू को बराबर कर सकते हैं हम, तो माइनस 1 माइनस प्लस 2g इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस 2g 2f. ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट. तो हमारे पास क्या आ गया, g इज इक्वल टू f आ गया. ठीक है, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास. अब देखो ये कह रहा है कि रेडियस है वो स्मॉलेस्ट है, तो r इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम, r का फॉर्मूला यदि वो इक्वेशन, तो रेडियस कैसे निकालते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c होता है. तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू रख देंगे हम, यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या जाएगा, जी और एफ के इक्वल टू ही है, तो मान लो जी और एफ को ले लिया हमने, मान लो जी और एफ ही रहने दो इसे. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम जी, इसकी जगह भी क्या लिख देंगे, जी स्क्वायर माइनस सी क्या रह जाएगा, सी क्या आया था हमारे पास, 1 प्लस 2g. तो इक्वेशन क्या आ गई, 2g स्क्वायर, ये माइनस और माइनस 2g आया था यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. ठीक है, तो 2g प्लस 1 स्क्वायर रूट. ठीक है, तो देखो अब ये कह रहा है कि ये जो आर रेडियस हो स्मॉलेस्ट है, तो डी आर बाई डी जी क्या आएगा अपने पास, वो देखो 1 बाई 2 रूट 2g स्क्वायर प्लस 2g प्लस 1, और अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 4g प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से माइनस का 1/2, और g f के इक्वल है तो f की वैल्यू भी आ गई माइनस का 1/2, और c कितना आया था, c आएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस 2g. तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1 प्लस 2 इंटू जी कितना आ जाएगा माइनस 1, तो c की वैल्यू आ गई 0. ठीक है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं. अब तो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 2g कितना है माइनस का 1/2 इंटू एक्स प्लस 2f क्या है माइनस का 1/2 वाई प्लस c क्या है 0 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, दिस इज योर आंसर. ओके, जिसका सेंटर क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं हम 1/2 एंड 1/2, एंड रेडियस क्या होगी, रेडियस निकाल सकते हैं हम यहाँ से, जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 माइनस सी कितना है 0. तो रेडियस आ गई हमारे पास इसकी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो सी की वैल्यू 0 है, तो रेडियस आर आ गई हमारे पास 1/√2. ठीक है, दिस इज योर आंसर. ओके.